नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड दो अपडेट बताएंगे, दोनों में जुर्माने से रिलेटेड बात करेंगे भाई। एक अपडेट आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूसरी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट में बात करेंगे चाइल्ड पोर्न फिल्म यानी मूवी, चाइल्ड पोर्न मूवी, समझ गए आप। सेकंड बात करेंगे कुत्ते के काटने से मालिक को कितना नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप दुबई में रहते हैं भाई, आप भी अगर टॉमी रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि इंडिया में सब रखते हैं, लोग काट भी जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, चल जाता है क्योंकि कानूनों को नहीं पता, लेकिन वी में रहते हुए ये नियमों का पालन करना आपको सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको पता है गल्फ देशों में भाई, पहली बात तो व्हाट्सएप बैन चल रहा है, VPN भी बैन है। जी हाँ, यानी ये नॉर्मल कोई हार्ड नहीं है, ये ऐप जिनको बैन कर रखा है यूएस सरकार ने, गल्फ देशों ने। तो भाई पोर्न फिल्म, कितना भयंकर बड़ा जुर्माना आपको अदा करना पड़ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके मोबाइल में कोई गंदी तस्वीर, कोई पोर्न फिल्म, कुछ भी ऐसा कोई, हालांकि मुझे ये भी पता है कि लोग रखते हैं, लेकिन जिस दिन आप पुलिस के या कानूनी शिकंजे में फंस जाते हैं, उस दिन आपके साथ क्या हो सकता है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है। वी में कानून बनाता बता दूँ, 2012 में बन चुका है भाई, एक्ट 5 के अनुसार 18 अनुच्छेद 18 में ये पूरा प्रोसेस चलेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। जिसमें बता दूँ, अगर आपके मोबाइल में चाइल्ड बच्चों की पोर्न ऑनलाइन फिल्में हैं, या फिर आपने कहीं से डाउनलोड भी कर रखी हैं, समझ गए आपको, डाउनलोड का मतलब आपने इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, अन्य वेबसाइट के माध्यम से, जो तोड़ जोड़ करके, आजकल भाई हर ताले की चाबी मिल जाती है, कहीं ना कहीं तोड़ जोड़ हो जाता है, और आप तोड़ जोड़ कर भी लेते हो और आप मोबाइल में हैं, आप उनका ठीक है आप देख रहे हो, लेकिन जिस दिन पता लगता है, कानूनी शिकंजे में आप फंसते हो, तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, सीधा सीधा 6 महीने की जेल हो सकती है। प्लस बता दूँ, 1,50,000 दुबई दराम से लेके 1,000,000 दुबई दराम तक आपका जुर्माना लग सकता है। अब आप सोचो जी कितना है, 15 लाख से स्टार्ट होगा भाई, समझ रहे हो आप बात को, और 2 करोड़ तक जाता है जुर्माना। आप जिंदगी भर में आपके रिश्तेदार वगैरह सब कमाएंगे ना, तो भी वो जुर्माना नहीं चुकेगा। तो इन चीज़ों को सावधानी पूर्वक आप अपने मोबाइल से हटा दें, उसी में अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ समय का जो हम इंजॉय करते हैं ना, वो लाइफ अपनी ख़राब कर दे, ऐसा इंजॉय से बचोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भूल से भी भाई ये गलती मत करना, चाइल्ड पोर्न फिल्म होती हैं, किसी से आपने व्हाट्सएप से मंगवा ली या किसी भी अन्य माध्यम से आप मंगवा लेते हैं, आप ठीक है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन वो कहावत है ना कि देर है ऊपर वाले के सामने, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, आपने साल, 2 साल, 3 साल चल रहा है, लेकिन जिस दिन आप झांसे में आ जाते हो भाई, आप शिकंजे में आ जाते हो, तो आपका क्या होगा। तो इन चीज़ों से बचने की सख्त ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए ये मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन है, इस फ़ोन में मुझे कुछ इलीगल एक्टिविटी मिल गई, ये मान लो फिल्म मिल गई, पोर्न फिल्म मिल गई, और किसी ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, अब मेरे पास बचने का ऑप्शन ही नहीं है, मैं सफाई दे ही नहीं सकता। आदमी मर्डर करके सफाई दे देता है, चोरी करके सफाई दे देता है, मारने पीटने में भी सफाई दे देता है, इसने मेरे को मारा तब मैंने मारा, चोरी मैंने नहीं करी, मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है, ऐसी सफाई। लेकिन मेरे मोबाइल में मूवी मिल गई, चेक हो गया सामने, ये फ़ोन मेरा है, तो इसमें तो सफाई है ही नहीं, फिक्स है कि सज़ा मिलनी है आपको, जुर्माना मिलना है। तो सोशल मीडिया वाले जितने भी एक्टिव, जो इनलीगल एक्टिविटी है, इन सबसे सबसे ज़्यादा बचना जरूरी है भाई आपको, तो सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। दुबई में अल रसीदिया एक इलाका है, आप सबको पता ही होगा, दुबई में एक आदमी था, हो सकता है वो इंडियन हो, एशियन हो, या फिर लोकल दुबई का बंदा हो। आपको पता है विलों में सबके कुत्ते, और कुत्ता तो भाई सब दुनिया की पूरी पसंद है, लोग तो शेर भी पालते हैं दुबई के, शेर तो कुत्ता तो आम बात है, आदमी सब रखते हैं, इंडिया में भी रखते हैं। अब वहाँ पे घर में एक नौकरानी थी, वो काम कर रही थी, गलती से कुत्ते को जिस पिंजरे में रखना होता ना, उसको खुला छोड़ दिया। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखिए भाई, इंडिया में भी अगर आपके घर वाले कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ते को आप बांध के रखते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुत्ते को आपने मान लीजिए गांव में तो खेजड़ी के बांध देते हैं, पेड़ पौधे के बांध देते हैं, बांध के सांकल डाल के रखते हैं, या फिर शहरों में तो भाई वो तो होता नहीं है, तो उसको फिर पिंजरे में डाल के रखते हैं। तो जितना जानवर को और जितना कुत्ते को आप बांध के रखोगे, वो इंसानों को नहीं देख पाएगा, उतना ज़्यादा वो जहरीला बनता है अंदर से, यानी खारा, हमारे राजस्थानी में खारा बोलते हैं भाई, ज़बरदस्त। और जैसे ही उसको खोलते हैं ना, तो वो एकदम एक कड़का के शेर की तरह वो झपटता है लोगों के ऊपर, क्यों,
क्योंकि वो उनसे कनेक्ट हुआ ही नहीं कभी, तो उनको फिर वो खाने की सोचता है। ये इनका पिंजरा गलती से खुला रह गया और मेन गेट जो विला का था वो भी खुला था भाई। जैसे ही कुत्ते को खोला और उसको मौका मिला वो बाहर चला गया। सामने छोटे बच्चे खेल रहे थे जो अपने आपको पता है नॉर्मली में सब जगह खेलते ही हैं, उन एक बच्ची को उसने काट लिया। जी हाँ, अब काट लिया तो भाई उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल लेके गए तो फिर आपको पता है पैसा भी लगता है। कुत्ता का काटा और वो क्वाव तो सुनी होगी ना आपको कि हमारे राजस्थानी में वो हिड़क जाता है ऐसा, अपने हिड़क बोलते हैं उसको मारवाड़ी में, और आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई। और मेरे तो खुद के गांव में कुत्ता काटने से एक बंदे की मौत हो गई थी, जो मतलब उसके वायरस फैल जाते हैं और वो दूसरों के चले जाते हैं, ऐसा कुछ है उसमें, उसके इंजेक्शन भी लगते हैं। तो कुत्ते का काटना एक बड़ी छोटी बात नहीं है भाई, इंजेक्शन लगना लफड़ा था। उन्होंने फिर उनके ऊपर क्या किया कि केस कर दिया। जी हाँ, तो केस किया तो बता दूं, केस कोर्ट ने कोर्ट में केस चला, सुनवाई हुई तो कोर्ट उन्होंने 5,000 का जुर्माना उस मालिक पे लगा दिया कि भाई 5,000 जुर्माना आपका जो भी खर्चा हुआ है आप इनको दीजिए। तो भाई 5,000 में से जो पीड़ित था उसने अपील की कोर्ट में कि भाई 5,000 नहीं है, मैं 2,000 में एग्री हो गया। तो कोर्ट ने ठीक है 2,000 पीड़ित को दिया जाए। तो भाई पीड़ित वालों की तरफ से एक वकील किया गया था, एडवोकेट किया गया था, उसने फिर वो मामला दीवानी अदालत में पेश कर दिया यानी बड़ी अदालत में। तो उन्होंने वहाँ पे 1,00,000 दुबई दराम की मांग कर ली कि भाई हमारा इतना खर्चा हुआ है, काफ़ी बार हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, बच्चे का इलाज हुआ, इसका भविष्य खतरे में हो सकता है, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं आप सबको पता है। तो भाई कोर्ट ने फिर 1,00,000 तो नहीं हुआ उसका, 15,000 दुबई दराम जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया मालिक पे। कहाँ छोटे कोर्ट ने 5 लगाया था, उसने 2 के चक्कर में, वरना वो 5 ले लेता तो हो सकता है वो बेचारे मान जाते, लेकिन उन्होंने बोला जी मेरे पास तो 2-5 नहीं है, 2,000 में कोर्ट मान गया। लेकिन पीड़ित परिवार ने बड़े कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, मामला दायर किया, तो कोर्ट ने फिर वहाँ पे 1,00,000 का कंपनसेशन मांग लिया कि भाई हमारा इतना खर्चा हो गया। तो फिर कोर्ट ने 15,000 दुबई दराम का उसको आदेश दिया कि 15,000 दुबई दराम पीड़ित पक्ष को दिया जाए, सामने की पक्ष वाले को। जी हाँ, तो कहने का मतलब एक ये नुकसान ही हुआ ना, तो आपको भी सावधान सतर्क रहने की जरूरत है भाई। जो भी कुत्ते के प्रेमी होते हैं, टोमी के प्रेमी होते हैं, जो पालते हैं, चाहे इंडिया में हो, इंडिया में भी आजकल लोग भाई, कानून ये इंडिया में भी है, आपका पालतू कुत्ता किसी पड़ोसी को काट ले तो आपको जुर्माना देना पड़ता है, उसका FIR होती है, पुलिस केस बनता है उसका, कोर्ट में जाता है। लेकिन इंडिया तो क्या बड़ी कंट्री है, लोग कानून नहीं जानते, अनपढ़ टाइप के होते तो चल जाता है, सिटियों में तो आज भी है, इंडिया में बड़ी सिटियों में ऐसा नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों से सावधानी रहने की ज़रूरत है भाई। 2 अपडेट मैंने दिए, दोनों अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कानून से रिलेटेड। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो भाई वीडियो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।